अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर इन अ गुड कंडीशन। माय नेम इज़ मिस नोरीन। टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज द कायद विजन एंड पाकिस्तान। दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज रिवाइज लेसन। अब हम इसको जो है वो रिवीजन में लेकर आए हैं। आप जो है इसकी हाव नाव जो है वो पहले से ही है, लेकिन यहाँ इसको अगेन थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, दिस इज़ अबाउट During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at rising people's spirit. यानी कि जब इब्तदाई दौर चल रहा था और बहुत ही मुश्किल वक्त था पाकिस्तान का, पाकिस्तान नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, तो कायद आजम ने जो है वो एक टूर जो है वो किया, यानी कि एक अपनी जो कंट्री वाइड यानी कि मुल्क का जो है वो एक दौरा किया। ही एम्ड एट राइजिंग पीपल्स स्पिरिट, यानी कि लोगों के जज्बों को उभारने के लिए, उनको जो है स्ट्रेंथ देने के लिए। डोंट बी ओवरवेलम्ड विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। अब अंडर, आप पता है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन होती है, इट मीन टू से दीज आर द सेम वर्ड विच इज़ स्पोकन बाय द रिलेटेड पर्सन, यानी कि जो इंसान ने कही है उसके वही वर्ड्स हैं। कायद अजम ने कहा, डोंट बी ओवरवेल्म्ड विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। लाहौर में जो स्पीच हुई उनमें उन्होंने जो है वो कहा कि काम की ज़्यादती इसकी वजह से जो है घबराना नहीं, मगलूब नहीं होना। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्फ अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर डिटर्मिनेशन महज जो है पुरअज़म होने से एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, यानी कि उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में हमें तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें जो है वो उभरती हुई कौमों ने अपने आप को जो है वो सामने लाने के लिए, यानी कि नौजायदा जो कौमें थी उन्होंने अपने आप को जो है वो सामने लाने के लिए, दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए जो है महज अज़म और किरदार की वजह से अपनी तामीर की थी। ठीक है जी। यू आर मेड ऑफ स्टेलिंग मटीरियल, यानी तुम खालिस मादे से बने हो, एंड सेकेंड टू नन, और जो है वो क्या है कि तुम किसी से कम नहीं हो। कीप अप योर मोरेल, और अपने जो है किरदार जो है उसको बुलंद रखो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और मौत से नहीं घबराना। वी शुड फेस इट ब्रेवरी टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट हैज़ कम टू स्टे। वॉट हैज़ कम टू स्टे, पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने कहा कि मौत से नहीं घबराना, हमें बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना है, पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती के लिए, और पाकिस्तान जो है हमेशा कायम दायम रहने के लिए जो है वो बना है, हमें इन पर यकीन रखना चाहिए। नंबर टू जो है उसका पैराग्राफ, द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पाइवेट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। ही टॉक अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट। अब जब इंटायर जर्नी मीन टू से दैट के कायद आजम इस अजीम रहनुमा के बरसरी के मुसलमानों के लिए वतन के लिए जदोजहद के तमाम सफर की जो बुनियाद थी वो मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम होने के इसके मरकज़ी नुक्ते पर थी। अब पाकिस्तान के बारे में इतने जो है वो वाज़ह तरीके से बयान करते थे कि आम आदमी भी इसको समझ सकता था। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही फर्म 3 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले उन्होंने फरमाया, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी जो है वो अपनी नुमाया, डिस्टिंक्टिव होती है नुमाया, ठीक है, हमारी अपनी जो है एक मखसूस जो है तहजीब और सकाफत है, ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हमारी ज़ुबान और अदब है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नॉमिक्लेचर। अब जो है वो हमारा अदब, हमारा फलतीफ़ा, हमारी तमीर, नाम और नाम रखने के असूल जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, सेंस ऑफ वैल्यू, और ठीक है, सेंस ऑफ वैल्यू, इकदार एंड प्रोपोर्शनल लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, इन शॉर्ट वी हैव अवर ओन डिस्टिंक्ट आउटलुक ऑफ लाइफ। यानी कि जो है वो क्या है कि सेंस ऑफ वैल्यू, हमारी जो है वो सेंस ऑफ वैल्यू जो है वो भी चेंज है, यानी अकदार असूल विरासत में असूलों की समझ बूझ, कवानीन अखलाकी ज़ाबते, रस्म रिवाज और कैलेंडर, तारीख रवायात रोजानात और ख्वाहिशात, यानी कि मुख्तसर बयान करते ज़िंदगी के मतलब हमारी अपनी ही एक वाज़ह जो है वो नुक्ता नज़र है, मखसूस नुक्ता नज़र है। थर्ड पैराग्राफ इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स मुस्लिम आर अ इंडिपेंडेंट नेशन, एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल
एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेसिस्टेड, यानी कि अब जो इसकी बुनियाद थी वो क्या थी कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादी बुनियाद असूल पर रखी गई कि वो एक आज़ाद कौम है, अगर इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जो है मदगम करने की कोशिश की गई तो सख्त किस्म की जो है वो क्या होगी, मजम्मत की जाएगी। ठीक है जी। कायद अज़म वाज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। कायद अज़म जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग जो हैं वो फेथ एंड बिलीव। ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म सोसाइटी एज अ होल। यानी कि कायद अज़म जो हैं वो एक मजबूत जो है वो स्ट्रॉन्ग फेथ, यानी कि मजबूत ईमान था, यकीन था। ही फर्मली बिलीव दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के एक उभरती हुई पाकिस्तान स्टेट जो है उसके प्रिंसिपल जो हैं वो इस्लामिक होंगे, वो रिफॉर्म सोसाइटी एज अ होल, कि वो पूरी सोसाइटी को पूरे माशरे का जो है रिफॉर्म करेगी, यानी कि पूरे माशरे में जो है इक्वलिटी लेके आएगी। इन हीज मैसेज सितंबर 1945 कायद अज़म सेड। 1945 में आपने एक ईद के पैगाम में कायद अज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ द कम्प्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। कलेक्टिवली जो है वो है इज्तमाही तौर पर और इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर, यानी कि इस्लाम जो है एक रेगुलेट करता हुआ जो है वो एक मीडियम है, यानी कि तमाम हमारे जो ज़िंदगी है, चाहे वो एक इंसान की ज़िंदगी हो चाहे वो जो है वो पूरी जो है वो कलेक्टिविटी यानी कि जो है वो इज्तमाहीत पे जो है वो मबनी हो, उसमें जो है एक नुमाया किरदार अदा करती है। ठीक है जी। ओके, द फिफ्थ वन इज़ दैट दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आजकल कायद का पाकिस्तान जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो मुसाइब का सामना है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि कायद अज़म की जो है वो यानी कि उनके जो है वो ज़ेर साया हमने जो है उनकी रहनुमाई में हमने जो है कितनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, कितना जो है वो वर्क किया है इसको हासिल करने के लिए। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ बाई फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो। कायद अज़म के जो सुनहरी असूल हैं उनको उन पर अमल पैरा होके हम इन प्रॉब्लम्स पे जो है काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा सकते हैं। और वो गोल्डन मोटोज जो हैं वो क्या है, फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो है ईमान तहाद और तंजीम। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ। हाँ, कहते हैं कि अब वी कैन मेक आवर नेशनल स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। कैसे, कायद अज़म ने जो यूथ को जो एक एडवाइस की थी, जो नसीहत की थी, उसकी याद दिला के या उसको जो है वो अपनी सोसाइटी में वार्म अप करके, इट इज़ नो अप टू यू टू वर्क, ये अब तुम पर है कि काम करो, वर्क एंड वर्क, और काम और काम, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। यानी कि कायद अज़म का जो मोटो था, जो एक एडवाइस थी, ये थी कि काम काम और सिर्फ काम, और सिर्फ काम की वजह से ही हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। सो दिस वॉज माई लेक्चर, दिस वॉज अ रिवीजन लेक्चर। Hopefully you can better understand. You can take a very good care of yourself. The face.